बारिश आज पीछा नहीं छोड़ रखता हमारा। तो गाइस यहाँ पर देखो खेत कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस बुरी तरह फंस चुके हैं हम लोग ट्रैफिक में। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं नी पानी से एंड यहाँ से 4 आवर 47 मिनट का डिस्टेंस दिखा रहा है। हाय गाइस एंड वेलकम टू 38th एपिसोड ऑफ आवर गोवा ट्रिप। इन द प्रीवियस एपिसोड वी हैव स्टार्टेड आवर रिटर्न जर्नी फ्रॉम गोवा टू होम एंड कवर्ड अ डिस्टेंस फ्रॉम कैंडोलिम नॉर्थ गोवा टू नी पानी। आई होप यू हैव वॉच्ड दैट एपिसोड। इफ यू हैवंट वॉच प्लीज गो एंड वॉच। इन दिस एपिसोड वी विल बी कवरिंग डिस्टेंस फ्रॉम नी पानी टू पुणे। तो आज का स्टे हमारा पुणे में होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एपिसोड। सो गाइस हम लोगों ने NH 48 पकड़ लिया है, बेंगलोरी पुणे हाईवे एक्सप्रेस हाईवे एंड यहीं से हमें डायरेक्टली जाना है अपना पुणे तक। चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है बट एक बात है कि यहाँ पर विंड ब्लास्ट बहुत लग रहा है एंड आगे मौसम कितना अच्छा दिख रहा है यार। ओ बारिश शुरू होने लगी धीरे धीरे, बारिश आज पीछा नहीं छोड़ेगा लगता हमारा। तो ये फर्स्ट टोल हमने क्रॉस किया, कोल्हापुर 20 किलोमीटर, सतारा 144, पुणे 252। सात किलोमीटर के बाद हम लोग कोल्हापुर पहुंच जाएंगे। तो गाइस ये लेफ्ट साइड में आता है कोल्हापुर, ये राइट साइड से आपको सोलापुर और सांगली लेके जाएगा। तो गाइस यहाँ पर देखो खेत कितना अच्छा लग रहा है ये आजू बाजू एंड बीच में हम लोग रुके थे बिकॉज शांति को थोड़ा नींद आ रहा था और पानी प्यास लग रहा था और थोड़ा ट्रैफिक लगा हुआ आगे ट्रक की वजह से। ये एक थोड़ा सिटी में हम लोग पहुँच रहे हैं, दैट इज़ कराड़ सिटी, पुणे 163 एंड हमारा होटल 158 है और 4 बज चुका है। लगता है हम लोग 8 बजे तक ही पहुँचेंगे घर, घर मतलब अपने होटल में। तस्वाड़े टोल प्लाजा, ठीक क्या है हम लोग जाने को नहीं मिलेगा। तो गाइस हम लोग यहाँ पर थोड़ा रुक रहे हैं चाय पीने के लिए। हेलो अभी आप रिकॉर्ड हो रहे हो, अभी आप रिकॉर्ड हो रहे हो। होटल गुरुकृपा में हमने एक चाय पिया और एक प्लेट इडली खाई एंड अभी निकल रहे हैं हम लोग अपने होटल के लिए पुणे में। अराउंड 2 आवर 41 मिनट अभी भी दिखा रहा है ये। तो गाइस पूरा अंधेरा हो रहा है अभी धीरे धीरे, हालांकि टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, 5 ही बज रहा है बट बादल के वजह से पूरा अंधेरा जैसा फील हो रहा है और लाइन से पूरी गाड़ी जा रही है। यहाँ पर थोड़ा सा जगह है तो हम लोग यहीं से निकल जाएंगे, बाइक का थोड़ा फ़ायदा उठा लिया जाए। और सतारा पहुंचने वाले हम लोग 5 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से एंड पुणे दिखा रहा है 118 किलोमीटर और अभी हमको 2.25 घंटा जितना लगेगा सतारा पुणे खिंडवाड़ी। तो गाइस हम लोग सतारा पहुंच चुके हैं एंड पुणे है 108 किलोमीटर, खंबाट की बोगदा, क्या ये टनल का नाम है। गाइस वो सामने देखो कितना अच्छा दिख रहा है,
सो गाइस सादा पेट्रोल था नहीं, पावर का भराना पड़ा। सादा का 111 है, पावर का 116 है, तो 1000 रुपये का भरा। पौने 19 किलोमीटर और है, सेवेंटी मीटर में कहाँ पर है भाई, लगता है पीछे चले गया क्या। तो गाइस इधर जाना था हमको, बट मैप ने थोड़ा आगे बताया तो प्रॉपरली बताया नहीं उसने, तो आगे से राइट लेना हमको। तो गाइस आगे भी दो बच्चे बैठे हैं, बहुत स्वीट से बच्चे हैं एंड उनको कैमरा पसंद आया, उनको दे आर सेइंग हाय। 8.9 किलोमीटर दिखा रहा है एंड स्टिल इट इज़ शोइंग 35 मिनट, तो सोच सकते हैं कितना ट्रैफिक हुआ आगे। सो गाइस ये रोड जो है दैट इज़ वीर तानाजी मूलसारे रोड, जो तानाजी के ऊपर अपना मूवी बना था, जो वही उन्हीं के नाम पर ये रोड है। बाय। ओ माय गॉड, सब ऐसे निकल रहे हैं, ऐसा पता नहीं क्या छूट गया, सब भाग रहे हैं इधर से उधर, बहुत टू व्हीलर थे यहाँ पर यार। सो गाइस बुरी तरह फंस चुके हैं हम लोग ट्रैफिक में, अंदर ही अंदर आधा घंटा घुमा दिया, अभी भी 8 मिनट बचा है। सो गाइस ये है हमारा रूम, चॉइस क्लासिक होटल पुणे, सनियावाड़ा से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस में है। सामने है हमारा बाथरूम, एक टीवी भी अवेलेबल है एंड काफ़ी अच्छा बेड है, ये काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी कंफर्टेबल है एंड यहाँ पर आपका टेबल भी है एंड चेयर भी है आप बैठने के लिए। काफ़ी अच्छा छोटा सा रूम है बट काफ़ी अच्छा है, मीन्स आके आप आराम से कंफर्टेबल रह सकते हैं। जितना भी लोग मिलने आता है सबका वेलकम इस गेट से करता है। सो गाइस सामने जो गेट दिख रहा है दैट इज दिल्ली दरवाजा, जहाँ से हम लोग आए थे।